सामना करेंगे अजीत का। अच्छा लंबा रन अब यहाँ पर, और उनको ये सम्मान देंगे मैडम मीना कटवाल जी, बखर मन की दिशा में अपर निदेशक रजत पा, और ये अपील देखना होगा। बैट और बॉल, बॉल बॉल देखिए लेफ्ट स्टंप पे लगती है बॉल, सीधा क्लीन बॉल यहाँ पर सूरज ने ही एग्जिट है वो के लिए देवभूमि स्पोर्ट्स मार्केट फाउंडेशन ने ये मंच तैयार किया और इस मंच के माध्यम से अच्छा शॉट खेला यहाँ पर पॉइंट क्षेत्र में और ये चार रन के लिए बोलते लगा के बात आती है गेम के लक्ष्य है जीत जीत तेजी से रन अप डाल और ये हल्के हाथों से खेला उसे एक रन के लिए पॉइंट क्षेत्र में राज्यसभा आज हमारा पांचवी गेंद डालते हुए नवीन को अच्छा शॉट यहाँ पर मिड विकेट क्षेत्र में खेल दो चार रन के लिए बेहतरीन शॉट जो प्रमुख डालते हुए खिलाड़ी थी नवीन पासाली खिलाड़ी थी जो था अच्छा बॉल दिया पर उसे खेल दिया यहाँ पर सामने की दिशा में यह उत्तराखंड बॉलर से बॉल को बचा 3 ओवर 20 रन ए विकेट जो सामाजिक थी अभी अभी एक कॉटन बॉल किया है संतोष दानी ने देखते हैं अगली गेंद क्या होगा अच्छी पटकी हुई गेंद यहाँ पर और बेहतरीन यहाँ पर फील्डिंग और ये गर्जा देवी को लगता हुआ तीसरा छक्का बोल्ड के रूप में जो आउट हुए हुए हैं अच्छी बॉल यहाँ पर उसे खेल दिया मिड विकेट की तरफ और गर्जे स्पोर्ट्स क्लब के मैदान में अच्छा शॉट खेल दिया कवर की दिशा में देखते हैं चौका होगा नहीं और अच्छी फील्डिंग बहुत अच्छी विकेट यहाँ पर अमित रावत के रूप में अच्छी बॉलिंग यहाँ पर खेल दिया है पॉइंट की तरफ और चार रनों के लिए बॉल जाती हुई सीमा रेखा के बाहर अच्छा अमित रावत खेल दिया ऐसे हवा में लॉन्ग ऑफ की दिशा में और एक मिस कैच को छोड़ दिया यहाँ पर मनमोहन और ये बॉल्ड होते हुए यहाँ पर संतोष दानी द्वारा एक बेहतरीन गेंदबाजी और ये क्लीन बॉल के रूप में अपना अच्छी गेंद बहुत अच्छी बॉल यहाँ पर अगर बैट नहीं लगाते तो शायद क्लीन बॉल हो बहुत अच्छी गेंद यहाँ पर और जी हाँ मैंने अभी आपको कहा था कि गलत साबित हो गया इसी लेकिन ये रावत और ये बॉल देवेंद्र पटवाल ने 13 ओवर किस्मत पे माँ गर्जिया क्लब साउथ एक्स की जो स्कोर हुआ है वो है 93 रन और लास्ट विकेट बचा है उनका बस अब 9 विकेट गिर चुके हैं माँ गर्जिया खेल दिया उसे यहाँ पर नो मैन्स लैंड बेहतरीन कैच यहाँ पर उम्मीद नहीं थी कि ये कैच वो पकड़ेंगे लेकिन नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया यहाँ पर पहली गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद अपील पूरी तरह से चकमा दिया बल्लेबाज को अच्छी गेंदबाजी अच्छी शूट
बढ़िया गेंदबाजी, लाइन ऑफ लाइन बिल्कुल तीन स्टंप के बीच में, लेकिन उसको खेल दिया था माइनर की ओर। ये बहुत सही है एकदम। चार ओवर का अच्छा फायदा उठाते, चौथी की दूसरे ओवर की सामना करेंगे राजेश, माफ कीजिएगा संदीप नेगी, शार्ट फील्डर मौजूद, एक गेम जीत पाएंगे। हर एक बॉल, हर एक रन आपके लिए कीमती है और उसे बचाना आपके लिए। अजय नेगी की दूसरी गेंद ओवर से शॉट खेला है, फील्डर मौजूद है लेकिन कोई उसकी प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिलेगी। एक गेंद सीमा रेखा के बाहर, छह नेगी जी की अगली गेंद, शॉट बहुत बेहतरीन लेकिन ये भी जाएगी सीमा रेखा के बाहर, छह रन के लिए स्कोर। एक और जोरदार किया भी जा सकता है, स्कोर है 29 रन एक विकेट नुकसान पर 4.3 ओवर के बाद। तो अच्छी स्थिति में अगर यहां से विकेट गिरेगी तो वापस दबाव आने वाले बल्लेबाज प्रदीप पाल रावत, धर्मेंद्र पटवार, विमल रावत, शानदार कैच हर्षपाल के द्वारा, बेहतरीन कैच, बेहतरीन फील्डिंग वहां पर। पूरी देवी की टीम दो विकेट के नुकसान पर, अगली गेंद और रन लेना चाहते थे लेकिन ऑन स्ट्राइक निकोटे का चौथी बॉल फेंकते हुए, अच्छी बॉल खेल दिया उसे कवर की दिशा में और एक छह ओवर की शुरुआती में जो टीम का स्कोर है वो 32 रन है और दो विकेट और एक रिटायर के नुकसान। अच्छी गेंदबाजी करते हुए अमित रावत, अच्छा लंबा रन और उसे और बेहतरीन शॉट यहां पर खेल दिया उसे कवर की तरफ से लेकिन अच्छी भी फील्डिंग यहां पर बेहतरीन फील्डिंग सूरज ने की द्वारा आपने बहुत अच्छी गेंद पक्की गेंद थी और उसे खेल दिया पॉइंट रेखा की दिशा में चार रनों के लिए यहां पर बाउंड्री रेखा के पास चार रन, अच्छा शॉट यहां पर अमन रावत सामने है विमल रावत, अच्छी बॉल यहां पर उसे खेल दिया कवर की दिशा में, अच्छी फील्डिंग यहां पर शॉट एक्स्ट्रा कवर में अजय नेगी द्वारा बहुत अच्छी। अगली बॉल और ये पहले की दिशा में चार रनों के लिए दिशाहीन गेंदबाजी जिसका खामियाजा उन्हें चार रन के रूप में भुगतना पड़ा यहाँ पर मनोहर को, जिसकी वजह से उन्हें बाहर बैठना पड़ा। अभी अच्छी बॉल यहाँ पर और उतना अच्छा हल्का हाथों से खेला उन्होंने एक रन के लिए यहाँ पर अमन रावत ने। आठवां ओवर चलता हुआ यहाँ पर अमन रावत सामना करेंगे, दिशाहीन गेंदबाजी और उतनी ही खराब फील्डिंग यहाँ पर विकेट कीपर के द्वारा जिसका खामियाजा उन्हें 5 रन के रूप में भुगतना पड़ा। इस प्रकार ये मैच नहीं जीता जाएगा, जय मां भूमि देवी की, जय मां भूमि देवी के 50 रन पूरे हो चुके हैं और जीत के लिए अभी उन्हें 44 रन और बनाने होंगे। लास्ट बॉल फेंकते हुए यहाँ पर मनमोहन सामना करेंगे अमन, अच्छी गेंद यहाँ पर फुल टॉस बॉल थी लेकिन और ये बॉल सीमा रेखा के बाहर जाती हुई चार ओवर मिस फील्डिंग यहाँ पर। ओके अच्छी शॉट, अच्छा शॉट यहाँ पर थर्ड मैन पॉइंट के क्षेत्र में खेल दिया उसे चार रन के। और यहाँ पर खड़ी हो गई है यहाँ पर मिड ऑफ के क्षेत्र में और यहाँ पर लेकिन ये तो फ्री हिट था यहाँ पर फ्री हिट का 62 अच्छा शॉट यहाँ पर खेल दिया लोगों की दिशा में यहाँ पर और एक रन से संतोष करना पड़ेगा। इस प्रकार जो टीम का जो स्कोर है वो है 9 विकेट के 9 ओवर के समाप्त में स्कोर 63। जय मां भूमि देवी सागरपुर की टीम और से एक बहुत अच्छा शॉट लॉन्ग की दिशा में खेल दिया यहाँ पर जब तक बॉल फील्डर बॉल विकेट करता सिंगल यहाँ पर पांच दे दिया तीसरे में अभी एक ही बॉल है उनकी और तीन रन दे चुके हैं।
पटकी हुई गेंद की ओर से खेल दिया थर्ड बैटिंग दिशा में चार रन के लिए, कोई मौका नहीं फर्स्ट ग्लव के हाथ से। स्लोर वन बॉल सीधा और ये एलबीडब्ल्यू फेल आउट, बिल्कुल विकेट के बीच में पाए गए यहाँ पर अमन रावत और एलपीडब्ल्यू दिया गया अंपायर लोगाई जी द्वारा। पटकी हुई गेंद पे उसे खेल दिया यहाँ पर कवर की दिशा में, चार रन जब तक फील्डर से पहुंचते लेकिन फील्ड की पहुंच से बहुत ही दूर, 22 बॉल में 11 रन चाहिए, अभी थोड़ा सा बाकी है मैच, 10 रन चाहिए। रावत है क्या तुझे खेला उसे यहाँ पर मेहता जी ने और सिंगल लिया यहाँ पर, खेलना चाहते थे उसे और बीट और सीधा बॉल कीपर ने मिस किया और भाई के चार रन यहाँ पे मिलेंगे। जय DevBhoomi देवी फिर आ गए हैं, विमल रावत सामना करेंगे और खेल दिया उसे थर्ड मैन की दिशा में, चार रन से अपनी टीम को मैच जिताया है, चौका लगाकर धोनी की याद दिलाते हैं हमें इस प्रकार। ये जय DevBhoomi देवी की टीम सागरपुर ने मैच को जीत लिया है 7 विकेट से। बहुत अच्छा मैच जीता यहाँ पर जय DevBhoomi देवी की टीम ने बिना किसी